वेलकम टू एवरीथिंग माई जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सब के बीच में फिर प्रभु यीशु मसीह की दया से आज मैं आया हूं एक नए विषयों को लेकर के, जिससे प्रभु आपको ढेर सारे आशीष को देंगे। तो आज का विषय है, अगर आप पाप करते हो तो बाइबल के इन 10 पवित्र वचनों को जरूर पढ़ें। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आप जानते हैं कि हम आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि पाप में गिरे, कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम बुराई में गिरे, लेकिन हम आप जो ना चाहते हैं वही हम आपसे हो जाता है, क्योंकि शैतान सातिर है, शैतान चलाक है। वो चाहता है कि किस प्रकार से उसे है जे मैं पाप में गिराऊं, किस प्रकार से उसके परमेश्वर पिता से दूर करूं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा मेरे खोजियों, मेरे भक्त, मेरे बेटे बेटे भी पवित्रता का जीवन जिए। और जब मेरे प्रियो, जब उनकी कहना में हम चलते हैं, उनके वचन में चलते हैं, तो हम ढेर सारे आशीषित भी होते हैं और आशीष को भी पाते हैं और लोग देखते भी हैं। लेकिन वह शैतान चाहता है कि नहीं, वो है जे उल्टा चाहता है, उसका विपरीत चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, मैं उसे है जे अलग तरीके से उसको पाप में गिराऊं, जिससे वो पवित्र परमेश्वर है जो उसे छोड़ दे, उसे हजे नाखुश हो जाए। तो मेरे प्रियो, आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, बाइबल का पवित्र वचन है, वो आपके लिए है, वो हम सब के लिए है। उस वचन को लगातार पढ़ें, ताकि जब भी पाप करने के लिए शैतान उकसाए, जब भी पाप करने का मन चाहे, उस समय ये वचन परमेश्वर का पवित्र वचन है, परमेश्वर की आवाज है जो आपको हृदय में पहुंचे और उससे आप बच सके। तो आज का जो वचन है, वो वचन से हम चाहते हैं कि आप बहुत आशीषित होंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। इस वीडियो को छोड़ के न जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि परमेश्वर आपको ढेर सारे आशीष को दे। तो हम चलते हैं वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना 9 के 31 पद में कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि वचन ऐलान करता है कि परमेश्वर है जो पापियों को नहीं सुनता है। हम आप सब स्पष्ट यहाँ वचन से सुन रहे हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। अगर पाप में आप गिरे हो, पाप कर रहे हो, पाप हमेशा हो जा रहा है, तो आप कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, कभी भी कुछ कहोगे, परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो उसका परमेश्वर सुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरी इच्छा पे चलना चाहता हूं, ताकि आप हमारी वाणी को सुने, हमारी आवाजों को सुने, हमारे पुकारों को सुने और उसका उत्तर दे सके। चलते हैं अगले वचन की ओर। अगला वचन है भजन संहिता 66 के 18 और 19 पद को देखते हैं, तो उसमें कथा है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का भक्त दाऊद है जो कह रहे हैं कि यदि हमारे मन में अनर्थ यानी बुराई बातें जो मैं सोचता रहता और बुराई करते रहता तो प्रभु मेरी न सुनता, परमेश्वर मेरा न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आमीन। सो मेरे प्रियो, हम आपको भी अपने आप को मन में जांचना होगा, वचन से जांचना होगा कि हमारे अंदर कोई मन में अनर्थ बातें ना आए, हमारे अंदर में कोई बुरा बातें ना आए, हमारे अंदर में बुरी सोच ना आए, बुरी हमारे अंदर कल्पनाएं ना आए, ताकि हमारा परमेश्वर हमें ना सुन सके। क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छाओं में आप चलेंगे, परमेश्वर की योजनाओं में आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, तो आपको सुनेंगे। जैसे यहाँ परमेश्वर के भक्त दाऊद कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं को उसने सुना है, वैसे आप भी कह सकेंगे कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। जैसा कि नीति वचन 29 की 1 में कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे
वचन स्पष्ट चेतावनी देता है, स्पष्ट ऐलान करता है। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे कि अगर बार बार मैं तुम्हें मना करता हूँ, बार बार मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेटा तुम वो कामों को मत करो, तुम वो बुराई को ना करो, तुम वो पाप को मत करो, और उस पाप को अगर बार बार करते हैं तो वो है जे हम परमेश्वर को अनादर करते हैं, हम पिता परमेश्वर को निंदा करते हैं। और वो जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय काम। और जितना भी हम आप अगर सोचते हैं कि मैं आप ज्यादा बुद्धिमान हूँ, ज्यादा मैं समझदार हूँ, वो सारे उपाय है जो कोई उपाय आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो डांटे जाने पर भी अगर हट करता है, जिद करता है कि नहीं मैं ये काम को करूंगा, तो उसका परिणाम है जो वो खुद भुगतेगा। जैसा कि यीशु मसीह खुद बोले हैं कि जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 20:15 में कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाला गया। आमीन। सो वचन यहाँ ऐलान करता है मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों कि जिस किसी व्यक्ति का, जिस किसी मनुष्य का जीवन के पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं मिला वो झील में डाला गया, और झील का मतलब है नरक में डाला गया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो हम आप प्रभु को सुने, परमेश्वर की इच्छाओं और उनकी शिक्षा में चले, ताकि हम आपका नाम है जी जीवन के पुस्तक में रहे, उस समय परमेश्वर पिता हम आपको है जी उस नरक की झील में न डाल पाए, हम लोग को परमेश्वर पिता उस स्वर्गीय स्थान में ले जाए जहाँ के लिए परमेश्वर ने हम आपको बनाया है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21:8 में कहता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। आमीन। सो मेरे प्रियो यहाँ वचन ऐलान करता है, यहाँ वचन स्पष्ट कर देता है कि इन कामों को जो करने वाले हैं, अगर इन कामों को आप अभी तक कर रहे हो तो इन कामों को अभी छोड़ दो। इस वचन को सुनते ही आप छोड़ दो, ताकि है जे आप है जे दूसरी मृत्यु से बच सके। दूसरी मृत्यु है मेरे प्रियो, ये पहला मृत्यु है शरीर से आत्मा निकल जाना, जो हम लोग शारीरिक दशा में मरते हैं। दूसरी मृत्यु है वो आत्मिक दशा में मृत्यु है, जो अनंत काल का मृत्यु है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो अनंत काल के मृत्यु से बचें, क्योंकि अनंत काल का जो तरफ है, अनंत काल का जो वो है जे दुख है, उस दुख में है जे फिर कभी है जे आपको छुटकारा होने वाला, फिर कभी हमारा आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। इसलिए वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि अगर ये सारे कामों को जो करते हैं, डरपोक और अविश्वासी, घिनौना काम, हत्यारा और व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजक और झूठे, ये सारे चीजों को जो काम करते हैं, ये सारे कामों को मेरे प्रियो छोड़ दो, ताकि है जे हम आप है जे दूसरी मृत्यु से बच सके और परमेश्वर के राज्य में के वारिश हो सके। जैसा कि रोमियो 5:8-9 में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। सो मेरे प्रियो प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, और वो है जे हम आपको है जे बचाने ही के लिए परमेश्वर पिता ने है जे हम आपके ऊपर है जे प्रेम की ऐसा है जे प्रकट किया, एक ऐसा हम आपके ऊपर भलाई किया कि उसने है जे अपने यीशु मसीह को है जे मसीह को है जे हमारे आपके लिए है जे वो सूली पे है जे दे दिया, हम आपके लिए वो बलिदान दे दिया, ताकि हम आप पापी जो है मसीह के द्वारा है जे पाप है जे क्षमा हो सके। जैसा कि हम 9 में देखते हैं कहता है, सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। आमीन। सो वचन यहाँ ऐलान करता है कि अगर हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा है जे हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं, तो उसका जो परमेश्वर का जो क्रोध है उससे हम आप क्यों नहीं बचेंगे, क्योंकि उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने है जे हम आपके लिए दाम दे दिया है। तो हम आपको प्रभु यीशु मसीह की चाल चलना है, क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट बोले तू मेरी सी चाल चलो, यीशु मसीह को देख करके हमें चलना है कि हमारा प्रभु हमारा गुरु यीशु मसीह है जे किस तरह से है जे संसार में आया और अपने आप को है जे हम आपके लिए हमारे पाप हमारे गुनाह के लिए दे दिया। जैसा कि हुन्ना 3:16 में पाते हैं, लिखता है वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाए।
आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हम आपको यूं ही है जे पाप से बचाव का रास्ता नहीं मिला है, उसके लिए परमेश्वर पिता ने हम आपके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अपना प्रभु यीशु मसीह एक इकलौता बेटे को, अपना प्रिय पुत्र को इस संसार में दे दिया, इस जगत में दे दिया, ताकि जो कोई अपने आप को स्वीकार करे कि मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा चाहिए, उसके लिए प्रभु है जे क्षमादान दे सके। तो मेरे प्रियो, मैंने 9 वचन को आप सबके बीच में रखा हूँ, आप सब 10वें वचन को कमिटमेंट में लिखें कि वो 10वां वचन कौन सी होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वचन है वो वचन से प्रभु आप सबसे बातचीत करेंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे दिए होंगे। तो मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को पढ़ें और इस वीडियो को, वचन को हमेशा है जो सुने, ताकि आप है जो उस पाप से बच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।